छह महीने के बच्चे की आंखों में पानी नहीं पड़ रहा है। बात वो है, मैं कमेटी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो गलत हो रहा है ना, वो गलत चीज रुकनी चाहिए। जिला कांगड़ा के सिविल अस्पताल देहरा में सोमवार देर रात को एक 6 दिन के बच्चे की सांस रुक गई और उसे खांसी शुरू हो गई। यही नहीं, उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। वजह थी धुआं ही धुआं। पूरे अस्पताल को कूड़े में लगी आग के धुएं ने घेर लिया था। अस्पताल से क्या डॉक्टर क्या मरीज, हर कोई बाहर की ओर भागने लगा। सूचना पाकर स्थानीय विधायक होशियार सिंह भी अस्पताल पहुंचे, प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। यहां नगर परिषद द्वारा अस्पताल के ठीक पीछे कूड़े की अवैध डंपिंग साइट बनाई गई है, जिसके धुएं के गुबार ने अस्पताल सहित पूरे इलाके को घेर रखा है। फिलहाल विधायक ने SDM से तुरंत उचित कार्रवाई करने की मांग की है। होशियार सिंह ने कहा कि वह नगर परिषद की शिकायत NGT से भी करेंगे। अगर 2 दिन के अंदर नगर परिषद कूड़े के ढेर अस्पताल के पीछे से नहीं हटाती है तो अस्पताल को ताला लगाकर सभी धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं कूड़े में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी, तब जाकर धुएं पर काबू पाया गया। अब मैम हॉस्पिटल में क्या दिक्कत आ रही है बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली ये 4-5 महीने से चला हुआ है, कूड़ा जलाते हैं और सारा धुआं हॉस्पिटल में आता है। हमें तो चलो दिक्कत होती है, लेकिन जो पेशेंट एडमिट है उनको भी दिक्कत होती है। न्यू बॉर्न बेबी जो इतने छोटे छोटे वो तक खांसी करते हैं, इतना ज्यादा। कब से है मामला? ये 4-5 महीने हो गए इसको। अच्छा, तो आपने कभी किसी को कंप्लेंट की इस मामले में? हमारे किसको की थी कंप्लेंट? नगर परिषद को की हुई थी। अच्छा, कितने महीने पहले की जी? ये 26/11/2021 में हुई है। अच्छा, होता क्या है, मतलब इसमें क्या दिक्कत आती है जी? इसमें जो कूड़ा जलाते हैं उससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। COPD का पेशेंट सांस कैसे ले रहा है, वो शाम को कूड़ा जलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बच्चा खांसी करने लगा। जब मैंने बच्चे को उठाया तो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने मैडम को बोला कि मैडम इतने धुआं कहाँ से आ रहा है? तो मैडम ने बोला कि ये यहीं पे कूड़ा जलाते हैं और रोज। तो मैंने बोला कि आप कंप्लेन नहीं करते हो? तो मैडम ने बोला कि मैंने कर दी है, आज MLA साहब आ रही है। मुझे फ़ोन आया अस्पताल से कि यहाँ सर आप 10 मिनट के लिए आके देखो, हम अस्पताल के अंदर खड़े नहीं हो सकते, ना ही कोई पेशेंट यहाँ पर जो है यहाँ रुक सकता है। और मैं जा रहा था, रास्ते से मैं वापस मुड़ कर के आया, मैंने विभाग को फ़ोन किया, DSP SDM साहब को भी मैंने फ़ोन किया और उनको यहाँ बुलाया। जब मैंने आकर के परिस्थिति देखी तो वाकई इतने हालात ख़राब थे कि पूरा अस्पताल धुएँ से भरा हुआ और डॉक्टर्स नर्सेस सब बाहर थे। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों से जो है इस अस्पताल के पार बिल्कुल साथ में, समझो कि अस्पताल की प्रॉपर्टी है, वहाँ डंप किया जाता है सारा और उसको रोज रात को आग लगाई जाती है, जिसके कारण सारे मच्छर मक्खी मकोड़े पूरे अस्पताल में धुआं धुआं हो जाता है डेली। ये कार्य हो रहे, इन्होंने कई बार नगर परिषद को चिट्ठी भी लिखी पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है और आज जैसे मुझे पता चला मैं आया और इसका संज्ञान लिया मैंने, और डिपार्टमेंट है विभाग ने भी कहा है कि हम इसको तुरंत जो है इसको बंद करेंगे, यहाँ डंप यार्ड करना जलाना। फायर ब्रिगेड की गाड़ी की बुलाई गई तब यहाँ की आग बुझाई गई। इतना भयंकर धुआं और इतना गंदा धुआं कि गला चोक हो जाए किसी का। एक 6 महीने का 6 दिन का बच्चा का गला चोक हो गया, वो खांसी कर रहा है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। ये ऐसी दयनीय हालत है इस जगह की। तो अब हमने कहा है कि इस डंप को यहाँ ना डाला जाए और यहाँ कोई आग ना लगे, नहीं कोई यहाँ आग लगाए तो कल जो है डिपार्टमेंट जो इसके ऊपर जो भी है कार्रवाई करेगा, संज्ञान लेगा। और मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में ऐसी समस्या जो हुई है ये आगे के वास्ते नहीं होगी। कारण किसको मान रहे हैं सर इसका? कारण नगर परिषद के जो ये जो कूड़ा करकटा उठाते हैं वो यहाँ पे डालते हैं और उनका कहना है कि नगर परिषद ने उनको यहाँ डालने के लिए कहा है और वही लोग आग लगा रहे 4 महीनों से। ये जो है जो ठेकेदार है या जो कॉन्ट्रैक्टर है ही इज डूइंग, ये जो है सारी कार्रवाई वो करवाए। सर कोई कार्रवाई भी करने जा रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई होगी, DSP साहब को बोल दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इन फ्यूचर में अगर कोई भी यहाँ कूड़ा करकटा या सफाई जो गंदा सामान यहाँ डाला जाएगा तो उस पर कार्रवाई हो। सर NGT को शिकायत कर रहे हैं आप? बिल्कुल करनी है NGT को शिकायत। अगर इसका निवारण नहीं होता है कल तक तो NGT तो छोड़ो, अस्पताल को ताला लगेगा और सब स्ट्राइक पे जाएंगे सारे। हिमाचल दस्तक WebTV के लिए देहरा से सचिन शर्मा। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062